अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी है और पड़ोस से भी आवाज बुलंद हो चुकी है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी से पाकिस्तान मैचेस नहीं जीत सकता। फखर जमान के साथ ज्यादती ना करें, फखर जमान की जरूरत है पाकिस्तान टीम को और फखर जमान का जो नेचुरल रोल है वो उससे छीनने की कोशिश ना की जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आवाजें तो उठना अब शुरू हो चुकी हैं और भारत के मारूफ कमेंटेटर और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, उनकी बड़ी स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर इनकी अगर तारीफें करने में शुरू हो जाए तो इनकी तारीफें खत्म ही नहीं होती हैं। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही अंदाज के प्लेयर हैं, एक ही तरह खेलते हैं। उनका कहना है कि अगर 10 ओवर में ये 60 रन लगा देते हैं, विकेट नहीं गिरती है, तो कोई ये बड़ा तीर नहीं मार लेते, क्योंकि T20 फॉर्मेट तब्दील हो चुका है, मॉडर्न जो है क्रिकेट अब आ चुके हैं और कम अज कम 90+ 90-80 तक तो रन लगने चाहिए 10 ओवर में। तो उनका कहना है कि फखर जमान जो है वो पाकिस्तान के नेचुरल ओपनर हैं, उनका एक जो रोल है ओपनिंग के लिए वो एक खास है। उनका कहना है कि PSL में रनों के अंबार लगाए थे फखर जमान पर, उसमें कोई शक भी नहीं है। फखर जमान टॉप स्कोरर थे PSL के अंदर, बहुत ही लाजवाब किस्म की वहां पर बैटिंग की थी। इसके अलावा फखर जमान ने जब भी पाकिस्तान के लिए T20 के अंदर ओपनिंग की है, जब भी फखर जमान का बल्ला चला है तो खूब चला है फखर जमान का बल्ला। जब से उनको वन डाउन पे किया गया तो फखर जमान का बल्ला जो है वो खामोश हो गया। अब सवाल उठना शुरू हो गया कि फखर जमान अपनी जगह बचा पाएंगे या नहीं। लेकिन आकाश चोपड़ा ने जो बात की है, फैंस का बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर रिएक्शन आया है कि बाबर और रिजवान का जो मकाम है पाकिस्तान टीम में वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि बाबर और रिजवान के अलावा पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं है। अगर इनमें से किसी एक को नीचे खिलाया जाता है तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए, फखर को ओपनिंग करवाई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है, बाबर शायद ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी तरह टूटे, तो ये एक मतलब रहेगा पाकिस्तानी टीम के अंदर कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी है वो किस तरह खत्म की जाएगी। फैंस कुछ नहीं चाहते हैं बाबर और रिजवान की ओपनिंग की जोड़ी खत्म की जाए, तो मुख्तलिफ किस्म की डिमांड है। बहरहाल बाबर जो है टीम के हक में बेहतर होगा, वही फैसला करेंगे। आपकी राय क्या है आपने जरूर कमेंट्स बॉक्स में राय अपनी जो है शेयर करनी है। अगर आपको अपडेट अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।